हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज कम्युनिकेबल डिजीज़ के से आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये बीमारी जो है एक आदमी से दूसरे आदमी में कैसे ये फैलती है। तो मान लो कि जैसे कॉमन कोल्ड है, जो सबसे सिंपल जो है वायरल डिजीज़ है, तो ये एक आदमी से दूसरे आदमी में बीमारी कैसे फैलती है। तो हम लोग सभी आदमी जानते हैं कि कोई आदमी जब स्नीजिंग का काम करता है, छींकता है, तो बहुत से ड्रॉपलेट ऑफ वाटर जो है वो एयर में जाता है, और जब एयर में जाता है और कोई हेल्दी पर्सन जो है ब्रीदिंग का काम करता है, तो वो जो है जो कॉमन कोल्ड के जो वायरस हैं वो फिर जो है हेल्दी पर्सन में चला जाता है, और वो आदमी जो है कॉमन कोल्ड का पेशेंट बन जाता है, वो इन्फेक्टेड हो जाता है। तो वही हम लोग को पढ़ना है। और फिर जो है इंसेक्ट्स जैसे हैं या एनिमल्स हैं, तो वो जो है कैसे जो है बीमारी को फैलाते हैं। जैसे फीमेल इनोफ्लीज मस्कीटो है, तो वो जब प्लाज्मोडियम को कैरी करते हैं और मलेरिया डिजीज होता है। उसी तरीके से एडिस मस्कीटो है, वो एडिस फीवर, ये डेंगू फीवर को क्या करते हैं, वो कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हैं। तो ये इंसेक्ट्स भी जो है बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह जो है कैरी कराने में हेल्प करते हैं, और उस तरह के इंसेक्ट को या अगर कोई एनिमल्स हैं उसको हम लोग कैरियर कहते हैं। तो वही हम लोग को लिखना है। कम्युनिकेबल डिजीज़ के बाद जो है हम को पढ़ना है और हम लिख रहे हैं। व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर रेन thousands of virus are spread in the air. The virus enters the body of a person of a healthy person while breathing and cause इन्फेक्शन। तो ये हो गया कि कॉमन कोल्ड कैसे होता है। उसके बाद कहता है कि कैरियर किसको कहते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैरी डिजीजेज diseases are called carriers। अब एग्जाम्पल में जो है फॉर एग्जाम्पल्स में इंसेक्ट्स में जैसे ये हाउस फ्लाई, उसके बाद में फीमेल इनोफ्लीज मस्कीटो, मस्कीटो
मस्किटोज, कैरी, प्लाज्मोडियम एंड कॉजेज मलेरिया। फीमेल एडिस मस्किटो, एडिस मस्किटो कैरीज डेंगू वायरस एंड कॉजेज डेंगू फीवर। तो ये जो है इंसेक्ट्स भी जो है डिजीज को कैरी करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैरियर्स कहते हैं।